हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनंत आर्य और स्वागत है आपका मेरे चैनल हैशटैग नीट एस्पिरेंट में। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था इस साल का अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ केमिस्ट्री के कुछ टिप्स और कुछ पॉइंट्स जिसको कि मैंने इस साल फॉलो किया था और जिसका कि मुझे इस साल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला और मे बी आपके भी प्रिपरेशन में कुछ मददगार साबित हो। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं और केमिस्ट्री अगर मैं तीन पार्ट्स में बांटूं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, और मैं स्टार्टिंग करूं सबसे पहले अगर इनऑर्गेनिक सेक्शन से, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनऑर्गेनिक में जब से एनटीए आया उसके बाद से एनसीईआरटी का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है और एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हम लोग इनऑर्गेनिक में उसके सारे पॉइंट्स और जो लाइन होते हैं उसको ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा जो टेबल्स बनाए होते हैं हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में, जो टेबल्स होते हैं उसमें जो कुछ जैसे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या फिर एसन एंथैल्पी हो, बीपी, एमपी, डेंसिटी, उसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ के वहाँ पे डाटा दिए होते हैं, वहाँ पे उसके ऑर्डर्स नहीं दिए होते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में उसके ऑर्डर्स पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस डाटा को पॉइंट वाइज करके उनका एक ऑर्डर में सजा लें और उसे कहीं अलग लिखे, आप अगर चाहे तो उसे अपने बुक्स में, उसके अलावा आपने स्टिकी नोट्स बनाया हो वहाँ पर या फिर शॉर्ट नोट्स में, ज़रूर उसे बदल लें ताकि उसका आपको फ़ायदा मिले और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के समय और लास्ट टाइम में आपको रिविज़न करने में कोई दिक्कत ना हो और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, चाहे वो नीट हो या फिर जे मेन्स हो, आपको टेबल से क्वेश्चन देखने को हर साल ही मिलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ते जा रहा तो आप टाइम के साथ ये पाएंगे कि आप 70-80% जो पोर्सन होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो हमें याद रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ 20% से पोर्सन होते हैं हम सिर्फ उन्हें ही भूलते हैं, और वो नीट के एग्ज़ाम हो या फिर जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो वहाँ भी आप पाइएगा कि जो 20% के जो क्वेश्चन होते हैं वही हमारे गलत होते हैं, कहीं भी चाहे वो टेस्ट में हो या फिर नीट एग्ज़ाम में भी आप पाइए, वही 20% के जो क्वेश्चन पार्ट्स हमारे छूटे होते हैं जिन्हें बार बार भूलते हैं वही से हमारा गलत होता है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि उस 20% पार्ट्स को हम कवर कर लें। तो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो ये थी कि उस 20% पार्ट्स को मैंने अपने बुक में अलग से लिख लिया था, क्योंकि 80% पार्ट्स जो हमें याद होते हैं शुरुआत में तो हम उन्हें अंडरलाइन कर लेते हैं या फिर हल्के से उन्हें हम हाईलाइटेड भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो 80% और 20% एक साथ हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम उन 20% पार्ट्स को अलग रखें ताकि लास्ट के टाइम पर वो हमारे लिए मददगार साबित हो। तो इसके लिए आपको जो भी फ़ायदेमंद लगे, आप अगर चाहें तो उन्हें स्टिकी नोट्स में लिख कर या फिर शॉर्ट नोट्स बना कर उसे अलग रख सकते हैं, या फिर जो मैं यूज़ करता था मैं अपने बुक्स में उसे बाहर साइड में लिख दिया करता था, और लास्ट के टाइम पर वो 80% पार्ट्स को आप चाहें तो उनका देख सकते हैं। उसके अलावा जो 20% पार्ट्स जो कि आप भूलते हैं या टेस्ट देने जाने से पहले आप 20% पार्ट्स को देख के जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके टेस्ट में जो मार्क्स होंगे आपको जरूर पाएगा कि जो क्वेश्चन आप पहले गलत कर रहे थे वो आप गलत नहीं करेंगे। इसीलिए ये माने काफ़ी ज़रूरी होता है कि ना सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बल्कि आप अदर्स बायो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप पाइएगा कि जो मोस्ट ऑफ द हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म से आते हैं और हम उन्हें याद भी कर लेते हैं या फिर समझ कर रिएक्शन मैकेनिज्म क्वेश्चन हम बना लेते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड्स जिन मेन्स ने फॉलो किया है कुछ क्वेश्चंस आप पाइएगा कि जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि नीट में 2021 में क्वेश्चंस आया था वो हमारा क्वेश्चन जो था वो शायद बॉन्ड लेंथ के ऐसे कुछ ऑर्डर था जो हेलो अल्केन चैप्टर से था, तो हमारे काफ़ी ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनिक्स के जो चैप्टर्स हैं उसमें भी कुछ कुछ चीज़ है, जैसे वो बॉन्ड एंगल हो या फिर बॉन्ड लेंथ, जो एब्रप्ट ऑर्डर है उस जो कि फॉलो करते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं वो हमारे सही है, लेकिन जो एब्रप्ट ऑर्डर है वो हमारे काफ़ी ज़रूरी है कि उस चीज़ को हम अलग बनाकर लिख लें या फिर शॉर्ट नोट्स में या फिर किसी तरह से उसे हम मेमोराइज ज़रूर कर लें। ये हो गया ऑर्गेनिक के लिए। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करूँ, तो फिजिकल में आप सभी जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो मेजर सेक्शन होता है वो होता है हमारा मेजर होता है प्रॉब्लम सेक्शन, तो उसके लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं और उससे हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हमारा सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम थ्योरी सेक्शंस के लिए एनसीईआरटी बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, हम थ्योरी के लिए एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो जो हमारा सेल वाला पार्ट है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप पाएंगे तो 2015 में नीट से भी क्वेश्चन आए, नीट में उससे क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अगर आप जे मेन्स की बात करें तो जे मेन्स में 2021 और 22 में भी आप पाएंगे कि डायरेक्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है एनसीईआरटी का उससे एज इट इज़ क्वेश्चन आया है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम उसे पढ़ें। उसके अलावा अगर आप
सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें तो आप पाएंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर्स के जो एग्जांपल दिए हैं उससे क्वेश्चंस नीट में भी पहले आए हैं, उसके अलावा जे मेंस ने तो आजकल उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो थियोरेटिकल पार्ट्स के लिए हम एनसीईआरटी को पढ़ें, अगर आप अदर बुक फॉलो कर रहे हैं तो सही बात है, लेकिन उसके अलावा आप एनसीईआरटी को भी फिजिकल में कम से कम एक बार जरूर से जरूर पढ़ें, और जो पॉइंट्स जो मेमोराइज करने वाले उन्हें आप लिख लें तो बहुत बढ़िया, या फिर एनसीईआरटी बुक्स में किसी तरह से आप जरूर से जरूर याद कर लें। और एक कॉमन बात जो कि आप तीनों ही पार्ट्स के लिए जो कि हमारे लिए कॉमन है, वो हमारे लिए होता है कि इंडेक्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तीनों में, चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल, उसके एक एक क्वेश्चन को लगाना और जो क्वेश्चन समझ आया उसे मेमोराइज करना, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर केमिस्ट्री। अगर आप 2021 की बात करें, 2021 में से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आए थे बैक एक्सरसाइज से, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जरूर लगाए, उसके अलावा इंटेक्स के क्वेश्चन भी हम जरूर से जरूर लगाए। सो फाइनली ये थे कुछ केमिस्ट्री के शॉर्ट एंड बेसिक टिप्स। इसके अलावा मैं समय के साथ आपको और भी कुछ बेसिक बातें या फिर जो प्रिपरेशन में आपकी मदद मिलेगी मैं समय के साथ आपको उसको जरूर अपडेट करता रहूँगा। ये थे कुछ इनिशियल स्ट्रैटेजी और इसे आप लास्ट तक भी फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपको लास्ट में और भी कुछ बातें जरूर बताऊँगा। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही केमिस्ट्री के लिए, और फ्रेंड्स ये मैंने न्यू चैनल ओपन किया है, सो प्लीज़ इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसे लिख दें, मैं एज पॉसिबल आपकी जरूर से जरूर हेल्प करूँगा। एंड फाइनली थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज़।